बड़े हो गए, हो गए ना आपकी हाइट भी बड़ी हो गई। अब आपको थर्ड स्टैंडर्ड में नई नई बुक लेनी पड़ेगी, नया नया कुछ सीखने को मिलेगा। थर्ड में आपका हिंदी और गुजराती दो सब्जेक्ट में ले रही हूँ। मेरा नाम है मीता जोशी, वो तो आप सबको पता है राइट। तो स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट गुजराती में कौन सी बुक चाहिए, क्या चाहिए, गुजराती के पीरियड में डिस्कस करेंगे। अभी हिंदी का पीरियड है तो हिंदी के सब्जेक्ट में हमें नोटबुक की बात करें तो डबल लाइन की नोट सुनो, डबल लाइन की नोटबुक में हिंदी में लिखना है, डबल लाइन की नोटबुक में ही लिखना है। क्यों? क्योंकि डबल लाइन में मैंने आपको बोला है कि जो डबल लाइन की ये हमारी छोटी काली लाइन होती है उसमें ही हमको लिखना है क्योंकि हमारे हैंडराइटिंग अच्छी तरह से निकले राइट। हर हर पीरियड में ये भी बोलूंगी एक ही बार आपको डबल लाइन की नोटबुक में ये जो पिंक है या लाल वाली छोटी लाइन वाली जो लाइन वाली है उसमें जैसे राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आपकी मर्जी हो वैसे लिखोगे तो ये एक बात जरूरी है। दूसरी इसलिए डबल लाइन की नोटबुक में नहीं लिखना। दूसरी बात टेक्स्ट बुक में हमें स्टैंडर्ड में जिसके पास है वो
बार लिखो, पर हाँ हमें ये पता होना चाहिए कि ये शब्द को कैसे लिखा जा सकता है, राइट? जैसे मैं लिख रही हूँ गुलाब,
क्योंकि मैं भी ये वीडियो में से 70
नीचे